नमस्कार, रियासी के बस स्टैंड में इस समय खड़े हैं और नगर पालिका रियासी द्वारा ये जो सब्जियां लगाई गई हैं रियासी के बस स्टैंड में, उन पर कार्रवाई की जा रही है। उनकी सब्जी यहां से उठाई जा रही है और पुलिस की टीम भी मौके पर तैनात है, सच और रियासी भी तैनात है। और आप देख सकते हैं पूरी तैयारी के साथ नगर पालिका एमसी रियासी म्युनिसिपल काउंसिल नगर परिषद रियासी आई है और जो प्रधान है जो चेयरमैन है वो भी यहाँ पे मौजूद है और कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार रियासी भी यहाँ पे मौजूद है और काफी समय से ये जो देख सकते हैं आप दुकानों के बाहर काफी दूर तक ये जो सब्जियां लगाई जाती थी उन पर कार्रवाई की जा रही है। पहले भी वार्निंग दी गई थी, नोटिस दिए गए थे और आज कार्रवाई करने म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो पहुंची है और दल बल के साथ आप देख सकते हैं पहले ये जो सब्जियां थी उठाई जा रही थी लेकिन अब थोड़ा समय दिया गया है सब्जियां उठाने के लिए। एमसी रियासी के चेयरमैन वो पहुंचे हैं, उन्होंने थोड़ा वक्त दिया है और तहसीलदार रियासी भी यहां पर हैं, हालांकि वो कार्रवाई करने के पक्ष में थे। खुद जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं उनको कहा जा रहा था कि ये जो तमाम सब्जियां हैं ये उठाकर उनकी गाड़ी में डाली जाएं, लेकिन जो चेयरमैन हैं वो कहीं ना कहीं वक्त देते हुए और बड़ी कार्रवाई करने की कहीं ना कहीं तैयारी थी। ये लोकेशन आपको एक बार फिर बता दें कि आप देख सकते हैं पीछे ये दुकान थी और इसके ठीक बाहर ये सब्जी की फड़ी लगाई गई थी। नगर परिषद की जो टीम है वो पूरी दल बल के साथ आई थी, पूरी तैयारी के साथ। आप देख सकते हैं पुलिस के जवान जो हैं पूरी तैयारी के साथ यहां पे पहुंचे थे और कार्रवाई करने की तैयारी कहीं ना कहीं थी, लेकिन चलान किया गया है, वक्त दिया गया है। अब जो जिन्होंने ये सब्जी लगाई है वो खुद ही अपनी सब्जी जो है समेट रहे हैं, हालांकि म्युनिसिपल कमेटी की गाड़ी में भी कुछ ग्रेड रखे गए थे लेकिन अब समय दिया गया है और चलान लगातार हो रहे हैं। ना बोल जल्दी ना, चलान काटा जा रहा है। कार्रवाई नगर परिषद की रियासी के बस स्टैंड में जो सब्जियां यहां पे लगाई गई थी, अब देखना ये होगा कि आगे भी कुछ लोगों पर कार्रवाई की जाती है या यहीं पर कार्रवाई करने के लिए नगर परिषद की जो टीम है वो पहुंची थी। सर क्या तैयारी थी, क्या और जगह पर भी कार्रवाई की जाएगी? जगह जाएंगे सब, पहले तो हम इनको बार नहीं दी इतनी बार,
कि आप यहाँ सामान मत लगाओ, लेकिन उसके बावजूद भी ये माने नहीं है, इनको नोटिस भी भेजा हमने, तो इसलिए हमें सामान को रहने दिया, 2,000 रुपये जुर्माना किया। क्या इन्होंने कहा है कि आगे ये सामान नहीं लगाएंगे? आगे लगाएंगे फिर इनको फाइन होगा, 2 के बजाय 4 होगा, फिर होगा जगह फाइन, क्योंकि तहसीलदार के सामने बैठे हुए, तहसीलदार सामने बैठे हुए, इनको भी थोड़ा सा चाहिए, देखिए पूरे रोड में इनको माल दिए जहाँ पे, तो इसके कोई जो सामान उठाने लगे थे, मैंने कहा सामान रहने दो, इनको 2,000 रुपये वक्त दिया गया है, ये अपना सामान उठा ले, ये अपना जी, और भी कार्रवाई की जाएगी, आप जहाँ भी होगा वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। रियासी के बस स्टैंड तहसील कार्यालय के ठीक बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि नगर परिषद रियासी, एमसी रियासी, म्युनिसिपल काउंसिल रियासी की टीम रियासी के बस स्टैंड में पहुंची है और जीएनके पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और पूरी तैयारी के साथ ये जवान आए थे, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ ये जो कार्रवाई है इसे अंजाम दिया जा रहा है। ये जैसे ही टीम यहाँ पे पहुँची, ये जो सब्जियाँ सड़क पर लगाई गई थी, ये बाहर आप देख सकते हैं, ये बाहर जो दुकानें हैं इसके बाहर ये सब्जियाँ लगाई गई थी, ये पड़ी लगाई गई थी और लगातार पिछले कई हफ्तों से यहाँ पर सब्जियाँ लगाई जा रही थी, तो आज फाइनली जो नगर परिषद की टीम है वो यहाँ पहुँची। पहले सामान उठाया जा रहा था, सब्जियाँ उठाई जा रही थी एमसी रियासी के कर्मचारियों द्वारा, फिर उसके बाद समय दिया गया इन्हें खुद सब्जियाँ उठाने का और चालान किए गए हैं। और ये कहना था सुदेश पुरी जो कि चेयरमैन है कि तमाम और लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी, जो लोग भी अतिक्रमण जिन्होंने किया होगा या रेडी पॉइंट पर जिन्होंने रेडी नहीं लगाई होगी उन पर कार्रवाई आज हो सकती है। एसएचओ रियासी वो भी मौके पर मौजूद और तहसीलदार रियासी ठीक उनके कार्यालय के बाहर ही ये थी और एमसी रियासी के जो कार्यकारी अधिकारी हैं वो भी तस्वीरों में आप साथ देख सकते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एमसी रियासी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या बाकी लोगों पर भी कार्रवाई आज की जा सकती है? बिल्कुल, ये 3 दिन लगातार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलेगी, ये इनने तो बड़ी देर से, इनको पहले भी हमने यहाँ से बीट किया था, ये दोबारा आज बैठ जाते हैं वहाँ तक चले गए, इसलिए हमने पहले यहीं से एक्शन शुरू किया। ये सब पर होगा, 3 दिन लगातार हमारी पूरी शहर में ड्राइव एंटी इंक्रोचमेंट चलेगी, हमारी पूर्ण टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई है, पुलिस वगैरह सारी हमारे साथ है, ये ईओ साहब, ये चेयरमैन पर, ये हमने चेयरमैन साहब सब हमारे साथ हैं, ये एंट्री इंक्रोचमेंट ड्राइव 3 दिन चलेगी। तो क्या सामान भी जब्त किया गया है या समय दिया गया है इन्हें? नहीं, अब इनको कोई सामान है, अब ये उठा लेंगे, अब हम यहाँ इनको लगाने नहीं देंगे, ये गलत जगह पर लगे हैं, ये पब्लिक को बैठने के लिए जगह है, ये कोई दुकानदारी करने के लिए जगह नहीं है। तो जो रेडी पॉइंट बनाया गया है, क्या तमाम जो रेडियां हैं वहीं पे शिफ्ट करवाई जाएंगी? नहीं, जहाँ जहाँ उनका पॉइंट है वहीं जो इलीगल होगी वो आज सीज हो जाएगी। अभी हम पूरा 2-3 घंटे लगातार ये ड्राइव चलाएंगे, ये खाली करते हैं, हम पूरे ग्राउंड लगा रहे हैं। तो सवाल कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि जिस तरह से मेजर कंट्रोल कोविड-19 को लेकर मेजर्स आए हैं,
उसी समय पर ये ड्राइव चलाना और कहीं ना कहीं भीड़ भी लग रही है तो? नहीं नहीं नहीं, इतनी भीड़ नहीं लगने दे रहे हम, ये इसीलिए तो हमने किया, ये भीड़ यहाँ लगती है। आप हमें छोड़ के 10 मिनट पहले का मैं वीडियो देता हूँ, मैंने 10 मिनट पहले इनका वीडियो बनाया, वो बताता हूँ वो डर ज्यादा था या इस वक्त का एंट्री इंक्रोचमेंट हटाने का डर ज्यादा है, इसलिए हम ये कार्रवाई करके रहेंगे। वो चलता रहे, कोरोना भी चल रहा है, कोरोना का हम पूरा पालन कर रहे हैं, उधर भी हम बिजी हैं, लेकिन ये लोग रोड पर आ जाएंगे अपनी दुकानदारी करते तो हमारा क्या कंट्रोल है इन पर। सोशल मीडिया में भी और ऐसे भी लोग सवाल उठाते हैं कि कुछ बड़े दुकानदारों पर कार्रवाई नहीं होती है, वहाँ कहीं ना कहीं बचता है प्रशासन कार्रवाई। आप ये देख रहे हो कि मैं यहाँ कहाँ खड़ा हूँ, इससे बड़ा कोई दुकानदार यहाँ नहीं है। आप पीछे जाके ब्रेड वाले को पूछो, कहते यहाँ से ऊपर ये गाँव को जाने ही नहीं देते हैं। सबसे बड़ा दुकानदार मेरी नजर में यही है, सब पर कार्रवाई जो अतिक्रमण बस स्टैंड में या मेन बाजार में दुकानदारों ने किया हुआ है। आप हमारे साथ हो, देखते रहो काम होता है कि नहीं। जो आपने मेरे ख्याल में कल भी मुझे ये सवाल किया था कि बड़ी मछली और छोटी मछली का यहाँ कोई लिहाज नहीं है, बड़ी मछली के पास हम खड़े हैं इस वक्त और आगे भी आप कार्रवाई देखते जाओ, ये ऐसा कोई लिहाजदारी कोई नहीं है, लिहाजदारी कोई बात नहीं। तो चलिए, तो कार्रवाई कहीं ना कहीं हो रही है, जिन्होंने यहाँ पे सामान लगाया था और जिन्होंने लगाया था उनसे सवाल करते हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि हम ग्राहक को रोकते हैं यहाँ पे, हम बेचते हैं सस्ता सौदा, क्यों हम करते 2-3 रुपए किलो की कमाई, लोगों जाते छिले निकालते हैं, 20 रुपए किलो की चीज 50 रुपए में आप लोगों को मिलेगी, तो आपका नुकसान किसका है? पब्लिक का नुकसान है। हम अगर सस्ता बेचेगा फायदा किसका है? पब्लिक का फायदा है। अगर हक का 500 रुपए हम दिन का कमाते हैं, अगला बंदा 2000 रुपए दिन का कमा रहा है, उसको वो नुकसान कर रहा है आपका, जो हम नुकसान कर रहे हैं आपका। अच्छा चलिए, फिर नियम सबके लिए ना, नियम आपके लिए भी बने हैं, अगर कल पूरा बाजार खाली पड़ा है, पूरा बाजार में लगी बड़ी है, तो फिर पूरे बाजार में यही टारगेट होती है और कोई टारगेट नहीं होती। इनका कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं भी आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं उठा दूंगा, ठीक है, मैं गाय को डाल दूंगा सामान, और बोलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, पहले भी कर्जे में और कर्जे में जाऊंगा, मगर बाजार में जो यहाँ फड़ियाँ लगी है ना, आप भी देखना, आप तो मीडियम में हो ना, आप देख लेना, वो एक भी फड़ी नहीं उठेगी। तो लेकिन नियम कानून जो है वो सबके लिए समान है, अगर सड़क पर सामान लगाना कहीं ना कहीं आप गलत नहीं मानते इसे? नहीं नहीं, वो बात सही है, ठीक है, बोलना था पार्किंग देनी थी, ऊपर लगाओ, ठीक है ना, इन्होंने बोला था ऊपर लगाओ, आगे ऊपर रेडी पॉइंट है, वहाँ भी सब्जियां लगती हैं, तो ग्राहक यहीं से सब्जी लेकर वापस जाएगा, ऊपर पॉइंट वाले भी फिर डिमांड करेंगे कि उन्हें भी नीचे भेजा जाए। नहीं सर, ग्राहक की अपनी मर्जी है, वो कहीं पे भी जा सकता है। अब लोगों ने यहाँ से 3 किलोमीटर की आपको परमिशन मिली है? क्या परमिशन आपकी बनाई गई है? दुकान पे बैठा हूँ, दुकान किराए पे लिए, दुकान पे बैठा हूँ, ठीक है, दुकान का शटर वो सामने है, वो मैं अभी खोल सकता हूँ, वो बात नहीं है। हाँ, तो आपकी सब्जी यहाँ तक लगी हुई थी, तो सर अगले वाला कोई लगाता मेरे, मैं भी तो लगाता हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई नहीं, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, खुद सामान इन्होंने हटाया है, और मांग यही है, कहीं ना कहीं यही सवाल उठता है कि कार्रवाई समान रूप से होनी चाहिए, किसी एक या दो लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और चुनिंदा लोगों को ही टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनकी यहाँ पे परमिशन नहीं है तो वो गलत है, लेकिन तमाम लोगों पर, बड़े दुकानदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो दुकानदार दुकानों के बाहर सामान लगाते हैं उनसे भी जनता परेशान होती है, वहाँ भी जाम की स्थिति बनती है और काफ़ी परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ता है। तो ये लाइव विजुअल्स आप रियासी के बस स्टैंड से देख रहे हैं, MC रियासी म्यूनसिपल काउंसिल रियासी की टीम पूरे दलबल के साथ, पूरी तैयारी के साथ आज रियासी के बस स्टैंड पहुँची है और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, और इनका कहना है कि पहले भी इन्हें वार्निंग दी गई थी, लेकिन इन्होंने जो अपना फड़ी है यहाँ से नहीं हटाई, जिस कारण आज ये कार्रवाई करने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि सामान इनका जो है वो जब्त नहीं किया गया है, उसका नुकसान नहीं किया गया है, हालांकि कोशिश जरूर की गई थी। तो यहाँ पे मांग ये है कि ये खराब हो जाएगा सामान, अब ये सामान अपना कहाँ पे बेचेंगे, लेकिन जुर्माना जरूर इन्हें किया गया है। मेहनत करना जुर्म है, मेहनत करना जुर्म है, काम हमें नौकरी दो, तनख्वाह दो, मिली काम नहीं करते। सुदेशपुरी जी से एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। सर सवाल हर बार यही उठता है कि कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है, बड़े दुकानदार, उन पर कहीं ना कहीं बचती है MC रियासी कार्रवाई करने से, क्या आज ऐसा देखने को मिलेगा? देखिए, एक महीना हो गया हमने इनको वार्निंग देते हुए, हमने इनको हमारे EO साहब ने बोला इनको, और इनको हमारे जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने इनको नोटिस भी दिया है कि आप अपना सामान उठा लीजिए। ये देखिए, ये कोई तरीका है कोई सामान लगाने का?
लगाओ, एक दो फुट लगाओ, कोई मना नहीं करता है, लेकिन आधे रोड में आना और तहसील दफ्तर के बाहर बैठना, वहाँ पे रोला डालना, ये अच्छी बात है? ये इधर नहीं है। मैं तो कहता हूँ जितने भी रेडी वाले हैं, मैं किसी का सामान उठाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन वार्निंग देने के बावजूद भी अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम इनको फाइन करेंगे, और फाइन एक बार नहीं, अगर दूसरी दफा लगाएगा दूसरी दफा भी फाइन होगा, और आगे भी अगर किसी ने अगर 5-5, 10-10 फुट बढ़ाया हुआ तो उनको ही फाइन होगा पहली दफा। मैं किसी के सामान उठाने के वो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये समझ जाए, लगाओ कोई बात नहीं है, एक एक फुट दो दो फुट लगाओ, लेकिन कब तरीके से लगाओ भाई। मैं कि हम किसी की रोजी की रोटी में लात मारने वाले नहीं हैं, लेकिन कोई खुद भी को ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। अपनी दुकानें बंद कर दी और आगे खड़े दे दिए किराए पे इन्होंने, लोगों ने 1500-1500 रुपये जो लेते हैं इनसे सब्जी वालों से, हमारा 250-300 रुपये इन्होंने देना नहीं कमेटी का, ये बात देखने वाली है। आप कहीं ना कहीं ऊपर जो रेहड़ी वाले हैं उनकी भी शिकायत थी, नहीं उनकी भी शिकायत थी, क्योंकि सब रेहड़ी वाले जो हैं वो ऊपर चले गए हैं, उनको बिठाया, आप भी जाओ उधर लगाओ जाके रेडी, कौन मना कर रहा है आपको? अगर बस स्टैंड पे हमने बैन किया, आपने हमें नोटिस बोल दिया, एफिडेविट लिख के दिया कि हम बस स्टैंड पे रेडी नहीं लगाएंगे, फिर भी अगर बस स्टैंड पे रेडी लगाएंगे तो कार्रवाई तो होगी। जो बाकी रेडी है यहाँ बस स्टैंड लगी हुई है, क्या उन्हें भी शिफ्ट करने की कोशिश होगी? हम तो यही कहेंगे कि वो अपने आप अभी टाइम है उनके पास, अभी वो शिफ्ट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फाइन होगा, कल उसको फिर फाइन होगा, कितने दिन लगाएंगे ये बस स्टैंड पे रेडी? बड़े दुकानदारों पर आज कार्रवाई, मैं बोल रहा हूँ जिसने भी बाहर सामान 5-5, 6-6 फुट लगाया सबको उठाएंगे आज। शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब कुछ सामान भी जो गाड़ी में है एमसी रियासी की वो रखा गया है। जो सवाल है वो समय को लेकर भी है, क्योंकि जिस तरह से कोविड कंट्रोल मेजर्स हाल ही में जारी हुए हैं, कल दुकानें बंद थी, आज दुकानें खुली हैं, रेहड़ी फड़ियाँ खुली हैं, हालांकि सब्जी और फ्रूट की जो रेहड़ियाँ हैं वो हर रोज़ खुलेंगी। तो लोग रियासी में पहुंचे थे और इसी के बीच ये कार्रवाई जो कि अनएक्सपेक्टेड लग रही थी, ऐसा कोई अनुमान नहीं था, और जो टीम है एमसी रियासी की वो यहाँ पहुंची और उन्होंने तहसील कार्यालय के, आपको बता दें कि ठीक पीछे जो है वो तहसील कार्यालय है, तहसील कार्यालय के ठीक सामने ये जो फड़ी है सब्जी की वो लगती थी, और सड़क काफ़ी सड़क का जो हिस्सा है उस पर भी सब्जी लगाई गई थी, और आज तहसीलदार रियासी एमसी रियासी की टीम, एमसी रियासी के चेयरमैन, तमाम लोग पहुंचे और कार्रवाई लगातार शुरू की गई है। और अब चूंकि जो सब्जी वाले थे वो कुछ देरी कर रहे थे अपना सामान समेटने में, तो कुछ सामान जो है वो एमसी रियासी की टीम द्वारा अपनी गाड़ी में भी डाला गया है। तो बड़ी कार्रवाई और ये कार्रवाई लंबी चल सकती है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि और कुछ लोग जो कि अतिक्रमण कर रहे होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं संदेश चला गया होगा और बहुत से लोगों ने, बहुत से दुकानदारों ने अपने सामान को अंदर कर लिया होगा।
रियासी के बस स्टैंड स्थित कॉम्प्लेक्स में तमाम अधिकारी और उनकी टीमें हैं और ये जो मोची का काम करते हैं उन्हें अब निर्देश दिए जा रहे हैं। अभी क्या निर्देश दिए गए हैं वो भी आपको बताएंगे, जैसे किसी अधिकारी से बात होगी क्या इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा या फिर इन्हें कहीं और स्थान दिया जाएगा।
आगे की तरफ बस स्टैंड की तरफ बढ़ती हुई जिस तरह से पुलिस के जवान पूरे दल बल के साथ ये टीम पहुंची है, पुलिस के जवान पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई को तहसीलदार रियासी एमपी रियासी देने जा रही है। और रियासी के बस स्टैंड में इस समय आपको बता दें कि बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसके बाहर टीम पुलिस बल के साथ पहुंची है और ये एक रेडी वैली पर कार्रवाई की जा सकती है। ये कि आपको बता दें कि ये गन्ने का झूठ जो है इनके पास टीम पहुंची है। शराब थोड़े कटा दे परमिशन बना ली हुई सब कुछ है हमारा कैसी गल है मास्क ठीक परमिशन दसो परमिशन ही है कोई वो थोड़े है कोई शराब थोड़े निकाल रहे हैं हम इधर तो मैं गया था ना आपने बनाई नहीं आपने न्यू नहीं की मेरा क्या कसूर है हाँ 19 की क्यों है 19 से 20 तक है फिर मैं गया उसके पास चेयरमैन के पास उसने न्यू नहीं की ये मैंने थोड़े करनी है ये तो है ना ये सब मैं गया था इनके पूछो ना पूछो सर मैं इनके पास गया था मैं मंदिर कालका मंदिर के सामने हाथ रख के कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ मैं इनके दफ्तर में गया 3 महीने हो गए इसकी डेट से पहले गया इन्होंने नहीं की इनकी बात नहीं है चेयरमैन ने नहीं की ये बोल रहे थे मैं करता हूँ पहले चेयरमैन के साइन कराओ चेयरमैन ने की नहीं क्यों उठाओ उठाने वाला क्या हो गया परमिशन नहीं आपके यार हम गरीब बंदे हैं छोटा मोटा काम नहीं करेंगे क्या उग्रवादी बन जाए फिर बन जाए परमिशन नहीं बनेगी ठीक है परमिशन क्यों नहीं बनेगी वो कौन सा चक्कर है परमिशन नहीं बनेगी चुपो को ये ड्रामा ऐसे ही चुपो हम देखेंगे फिर ये कोई पाकिस्तान थोड़े है ये बीजेपी का राज नहीं है इधर हाँ
बीजेपी का अड्डा नहीं बन गया, अड्डा हिंदुस्तान का है। मोदी साहब से बीजेपी ने आपको बता दें कि यहाँ पे रेडी वाले ने विरोध किया है कार्रवाई का, और उनका कहना है कि कार्रवाई क्यों की जा रही है, वो उनके पास परमिशन थी, परमिशन पुरानी हो चुकी है, रिन्यू नहीं की गई, जिस कारण जो है वो, और ये देखिए जेसीबी मशीन जो है वो भी अब यहाँ पे पहुँच गई है और कार्रवाई यहाँ पे हो सकती है। जेसीबी मशीन पहुँच गई है, इनका कहना था जो रेड़ी वाले गन्ने का जूस यहाँ पे निकालते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं, उनका कहना था कि परमिशन रिन्यू नहीं की गई एमसी रियासी द्वारा, जिस कारण उनके पास जो है पुरानी परमिशन है रिन्यू नहीं की गई है और अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। और वो मैं इनकी तहसीलदार रियासी से हुए हैं और तहसीलदार रियासी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रक्षण हो रहा है सर। क्या लगता है कहीं ना कहीं अगर बात करें कोई भी जो भी कार्रवाई होती है काफी दिनों के बाद जो है वो प्रशासन को याद आता है इस बारे में, जहाँ पे रेडियो भी लगती है सब कुछ होता है, तो प्रशासन कहाँ होता है? सर कहीं ना कहीं सबसे जो बड़ा सवाल जहाँ पे दही पैदा होता है, ये आखिर इन लोगों की जब ये रेडियो दुकाना शुरू हो जाती है उसके बाद ही प्रशासन को क्यों याद आती है? कितनी देर के बाद कार्रवाई हो? जब रेडी नहीं लगी हो तब क्या कार्रवाई होगी? गलत किसी ने लगाई तभी कार्रवाई करेंगे ना। अब हमारे साथ ये तो हम बता रहे हैं। तो ये थे अवैध रूप से लगी हुई है, उसके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है और आप कैंडिडेट के लिए एनएल1 के साथ जुड़ रहे हैं। आज इतनी बड़ी कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है, लोगों का कहना है कि उनके पास परमिशन भी है लेकिन उसी से अपने रोजगार जो है वो चलाते हैं, लेकिन इस रोजगार को भी छीना जा रहा है, परमिशन उनकी जो है रिन्यू नहीं की गई है, ये कहना था जो उक्त युवक और उनके पिताजी यहाँ पे गन्ने के जूस की रेड़ी लगाते हैं और जेसीबी अब यहाँ पहुँच गई है और कार्रवाई यहाँ पे की जा सकती है, और लगातार विरोध युवक और उनके पिताजी जताते हुए दिहाड़ी नहीं लगाएंगे और क्या भाव बेच रहे हो? या कोई नौकरी नहीं करता मैं, या कोई और दो नंबर का काम नहीं कर रहा हूँ, या कोई शराब नहीं बना रहा हूँ इधर, तो क्या करें? फिर उग्रवादी बन जाते हैं, उसमें कौन से कोई दो टांगे चाहिए थे? तो ये जो गन्ने की जूस की रेडी है इस पर कार्रवाई की जा रही है, युवक और उनके पिताजी जो दोनों यहाँ पे मौजूद है जो ये रेडी लगाते हैं, उनका कहना था कि उनके जो परमिशन थी वो रिन्यू नहीं की गई थी, कोशिश हालांकि उन्होंने जरूर की थी उस परमिशन को रिन्यू करवाने की, लेकिन उन्हें परमिशन उनकी रिन्यू नहीं की गई, जिस कारण उनके पास जो परमिशन है वो पुरानी परमिशन है, लेकिन उन पर कार्रवाई की जा रही है, जो गन्ने हैं वो उठा दिए गए हैं और सामान भी उठा दिया गया, और लगातार जो युवक है जो इस रेड़ी पर बैठते थे, इस रेड़ी से अपने घर का गुजर बसर करते थे, पालन पोषण अपने परिवार का करते थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है। एमसी रियासी, तहसीलदार रियासी और अपनी अपनी टीमों के साथ पूरे पुलिस दल बल के साथ रियासी के बस स्टैंड में पहुंचे हैं और कार्रवाई अतिक्रमणकारियों पर की जा रही है। रेड़ी पॉइंट ऊपर बनाया गया था, लेकिन एमसी रियासी का कहना है कि जो रेड़ियां बस स्टैंड में लगी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, अगर वो रेड़ी पॉइंट पर लगाते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बस स्टैंड में जो रेड़ियां होंगी उन पर कार्रवाई
लगातार की जाएगी और बड़े दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी, ये सवाल लगातार उनसे पूछा जाता रहा है, आज भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि उन पर भी आज कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि ये जो कार्रवाई है क्या सिर्फ रेड़ी वालों तक ही सीमित रहती है या फिर बड़े दुकानदार जो कि अतिक्रमण करते हैं, लोगों को उनसे परेशानियां आती हैं, बाजार में जो स्पेस है कम हो जाती है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है, इस सवाल का जवाब अब कुछ ही देर में क्या मिलता है उसे देखने के लिए, सुनने के लिए आप बने रहें रियासी अपडेट्स के इस लाइव वीडियो के साथ। तो लगातार एमसी रियासी की कार्रवाई जो है वो चल रही है और पुलिस दलबल के साथ एमसी रियासी और तहसीलदार रियासी, एमसी रियासी की टीम और तहसीलदार रियासी की टीम यहां पहुंची है, तहसीलदार रियासी खुद मौजूद है और म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन वो भी मौजूद है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमसी रियासी वो भी मौजूद है और रेडी पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि रोटी वाली उधर इन्होंने तो बंदे लगा के जगह ही बंद कर दी, बोले अड्डा बड़ा खुला कर, तहसीलदार बेचारे क्या कहेंगे, तहसीलदार भी इनके इशारों में चल रहे हैं, बीजेपी उधर तो रिश्वत खाती है ये सारे अफसर। आपको आज का जो घटनाक्रम है वो बता दें, एमसी रियासी की टीम, तहसीलदार रियासी की टीम रियासी के बस स्टैंड में पहुंचती है पूरे पुलिस दलबल के साथ और पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचती है, जो भी इक्विपमेंट उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए होते हैं वो भी पुलिस के पास होते हैं और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब कार्रवाई शुरू कहाँ से होती है, तहसील कार्यालय के ठीक सामने जो सब्जी की पड़ी लगाई गई थी जो कि सड़क पर भी थी उस पर कार्रवाई होती है, उसी से ये अतिक्रमण अभियान एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो शुरू होती है और उसके बाद जो टीम है वो जो मोची का काम करने वाले कुछ लोग हैं वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें भी निर्देश दिए जाते हैं, उन्हें भी सामान उठाने के लिए कहा जाता है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्हें दूसरा स्थान दिया जाएगा या कहां पर उन्हें बिठाया जाएगा या फिर वहां से उन्हें उठा दिया जाएगा, परमानेंटली उठा दिया जाएगा। उसके बाद जो टीम है वो बस स्टैंड में पहुंचती है, जो बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल है, लड़कों का हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसके ठीक बाहर ये जो रेड़ी गन्ने की जूस की रेड़ी यहाँ पे लगी होती है उस पर कार्रवाई की जाती है, सामान जो था यहाँ पे वो उठाकर गाड़ी में डाल दिया जाता है। अब इस रेडी पर कार्रवाई करने की बात होती है, लेकिन यहाँ पर जो पार्षद है जो सामने तस्वीरों में आपको इस समय दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं तहसीलदार से बात करते हुए कि इनकी रेडी, शायद वो ये बात कर रहे हैं कि इनकी रेडी पर ना तोड़ी जाए और कुछ और भी लोग उनके समर्थन में भी हैं लेकिन रेडी पर कार्रवाई ना हो, रेडी ना तोड़ी जाए, इसके समर्थन कहीं ना कहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो लेकिन सामान इस समय उठा लिया गया है और यहां से रेडी हटाने के लिए भी कहा जा रहा है, अब देखना ये होगा कि प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। और अशोक एक मिनट आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बातचीत आप तहसीलदार रियासी से कर रहे थे, क्या रेडी तोड़ने के विरोध में है आपकी, नहीं तोड़ी जाए? देखिए हम जनता के हित में हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब आदमी का नुकसान हो और म्यूनसिपलिटी द्वारा इनको परमिशन दी गई है और ये जो गन्ने वाली रेडी है ये गरीब लोग हैं और किसी के साथ भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जस्टिस नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। आप क्या विरोध कर रहे हैं कि रेडी पर कार्रवाई नहीं की जाए, रेडी को तोड़ा नहीं जाए, ये कार्रवाई कर रहे हैं या यहाँ पे लगा जो रेडी है वो एक साइड पे लगी है उसको तोड़ा नहीं जाए? उस आदमी को हमने समझा दिया है, वो कह रहा है कि मैं अपनी रेडी को उठा के घर पे ले जाता हूँ। तो आप यहाँ पे रेडी लगाने के क्या पक्ष में हैं या फिर इसके विरोध में हैं लेकिन तोड़ने के? नहीं, उसकी जो रेडी है वो बस स्टैंड पे लगी है मगर उसने साइड पे लगाई है, उसके पास लाइसेंस है, गरीब आदमी है बेचारा। रिन्यू नहीं किया, उनका कहना है कि वो दफ्तर गए थे, उसका कहना ये है कि मैं ऑफिस में गया था उसके पास लाइसेंस तो है पर रिन्यू नहीं किया है, तो उसके लिए अभी कोविड चल रहा था, पीछे ऑफिस भी बंद थे, तो अभी हम उसको देख लेते हैं। लाइसेंस रिन्यू नहीं किया, कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कमेटी की लापरवाही की वजह से उसका लाइसेंस, अगर परमिशन उसके पास परमिशन तो है ना, उसके पास रिन्यू नहीं है तो उसका टाइम है, उसको बोल देते हैं वो रिन्यू करवा लेगा। लेकिन अब तक उसके 2019 से उसका लाइसेंस एक्सपायर है, नहीं उसके 20 में भी एक बार रिन्यू हुआ है, 2021 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कमेटी की लापरवाही मानते हैं इसको आप? तो जैसे भी आगे बढ़ती हुई अब देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है।
इनसे यहाँ पे बिल्कुल बात करें तो उन्होंने कहा कि जो जीपी रेडी है जो स्थानीय लोग और पार्षद जो है वार्ड नंबर 13 के उन्होंने कुछ रेडी को पीछे कर रहे हैं और कुछ बस स्टैंड में जो मौजूद लोग थे वो भी उनकी मदद कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि इस रेडी पर कार्रवाई ना की जाए, इस रेडी को ना तोड़ा जाए, गरीब लोग हैं उनकी रेडी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। जिसके बाद ये तमाम लोग रेडी को साइड कर रहे हैं ताकि प्रशासन का डंडा इस रेडी पर ना चले, इस रेडी को नुकसान ना पहुँचे। नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ पर मौजूदा बड़ी कार्रवाई जो है की जा रही है और आप ये तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं इनकी रेडी को जो है उठाया जा रहा है, एक बार फिर मौका दिया जा रहा है। मैं ऐसी कुछ जो पीछे जाएंगे बड़ी कार्रवाई है अब कुछ मजदूरों ने और कुछ लोगों ने रेडी को थोड़ा सा पीछे किया। अब देखना ये होगा कि क्या जो टीमें हैं अतिक्रमण हटाने के लिए जो टीमें आई हैं वो वापस जाएंगी, इस रेडी को यहीं पे रहने दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मौसम है वो भी ख़राब होता हुआ दिख रहा है, हल्का बूंदाबांदी जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। तो क्या बारिश के कारण जो एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव है ये यहीं पे रुक जाएगी? अगर या फिर बारिश अगर रुक जाती है तो ये क्या लगातार रहेगी या बारिश में भी एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलती रहेगी? लगातार लाइव वीडियो आप देख रहे हैं और इस पर हर ये काम कर रहे हैं बिहार के तो जो बारिश है वो भी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अब कार्रवाई रुकती है या फिर ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी अब देखना ये होगा। फिलहाल रेडी को गन्ने की जूस की रेडी को पीछे हटाया गया है और असमंजस की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। Thank you.
जो लोग अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि नगर पालिका रियासी, तहसीलदार रियासी की टीम आज एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चला रही है और इस ड्राइव के चलते तहसीलदार ऑफिस के सामने जो सब्जियों की फड़ियां लगाई गई थी उन पर कार्रवाई की गई है और उसके बाद टीम जो है जो मोची की दुकानें हैं जो नीचे बैठकर अपना काम करते हैं मोची का काम करते हैं उनको भी वहां से हटने के लिए बोला गया है। उनका सामान भी उन्होंने अपना समेट लिया है और फिर जो टीमें हैं यहां पे पहुंची हैं बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल के ठीक बाहर जो गन्ने की जूस की रेड़ी लगती है टीमें यहां पहुंची हैं और यहां पर उस रेड़ी पर कार्रवाई की जा रही है। सामान जो है वो उठाकर गाड़ी में रखा गया है एनसी रियासी के, लेकिन जो रेड़ी है उसे खुद ही जो रेड़ी वाले हैं और उनके कुछ जो साथी थे उनके जो समर्थक थे उन्होंने उठाकर साइड पर किया है और बात ये की जा रही है कि उन पर इस रेड़ी को ना तोड़ा जाए, रेड़ी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो यहीं पर स्थिति अभी बनी हुई है, असमंजस की स्थिति है, अब आगे क्या होगा। और हल्की बारिश भी जो है वो अब शुरू हो चुकी है। तो इस लाइव वीडियो में आगे जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे, आप बने रहें इस लाइव वीडियो के साथ। अच्छा तो ये रेडी नहीं है, ये क्या है, ये रेडी नहीं है। इधर नहीं है रेडी, ऐसे ही लगा सकता है ऐसी बीजेपी के राज में, नहीं चाहिए हमको ऐसी। कोई पाकिस्तान बन गया जी, रेडी लग गई नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप, कार्रवाई आप पर की गई है, आप परमिशन आपकी 2020 तक थी। मैंने कालका मंदिर के आगे हाथ रख के बोला लेट होने से पहले मैं पिता जी को तीन बार गए, इन्होंने नहीं, चेयरमैन ने नहीं की। इसमें कमेटी का कोई वो नहीं है, कमेटी वाले अफसर ने बोला, जो बड़ा अफसर थे भाई पहले चेयरमैन से कराओ, चेयरमैन ने साइन ही नहीं किए, इनकी अपनी मिली भक्ति है, है तो मिली भक्ति है ना इनकी। सर जो है वो रिन्यू नहीं की गई, सिर्फ रिश्वत खा रहे हैं, घूस के नहीं, सिर्फ रिश्वत खा रहे हैं, ये कर के आ रहे हैं, सिर्फ रेता लगा रहे हैं, जहाँ सीमेंट लगाना होता है सिर्फ रेते की रेशो और कमीशन खाने पे लगे हैं बस। भाजपा का भी विरोध आप कर रहे हैं, भाजपा है ही इधर, किया ही वही काम बीजेपी ने, रेड़ी कोई नहीं छोड़ी, ये गंदगी का ढेर बना दिया पूरे अड्डे पे, कोई नान वाली नहीं छोड़ी, कोई फ्रूट वाली नहीं, आते हैं भगाते हैं गरीब को, गरीब की रोजी पे लात मारी है इन्होंने, इनका इसका जवाब हम देंगे। हाँ कांग्रेस वाले भी हैं, एनसी वाले भी हैं, लगा के दिखाएंगे फिर देखते हैं बीजेपी में कितना दम है, ठीक है Yes, sir.
बनवाए हैं वो भी है। कितना टाइम हो गया आपको काम करते हैं? नहीं दिखा रहा हूँ, लास्ट में दिखा रहा हूँ, का लास्ट। चल चल बंद करो, वो आइए। क्या पहले आप इससे पहले कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी गई आपका रेडी है वो नया परमिशन आपको ले रहे हैं दूसरी जगह खड़े हैं? साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग जिनके पास परमिशन नहीं है वो भी नई जगह पे बनाने की कोशिश की जा रही है, नई जगह पे बनाने की परमिशन उनको साफ तौर पर दी जा रही है। पार्टी पार्टी क्यों कर रहे हैं सामान रखने के लिए कहा गया लेके ट्राली में भर कर ले गए? क्या कहा जा रहा है? परमिशन आपके पास है यहाँ बैठने? लाइसेंस है 30 साल से पहले लाइसेंस है। आपने बताया उन्हें लाइसेंस? लाइसेंस भी दिखाया तब भी उठाया सामान। सर जिस तरह से ये मोची जो है ये कह रहे हैं कि इनके पास परमिशन लाइसेंस है, आपने आपके सामने हमने देखे सारे कागज, इनके पास कोई परमिशन नहीं, परमिशन देने वाले ये हमारे साथ है, इनके पास कोई परमिशन नहीं। जिनके तमाम जो मोची यहाँ बैठते हैं किसी के पास कोई जिसके जिसके, जिसके पास वो आगे वाले के अब हम फिर देखेंगे उससे कहा परमिशन है। अभी हम जा रहे हैं तुम्हारा, देखो इनको हटाने का मतलब ये नहीं 2 मिनट ये काम बंद करे हम अंदर चले जाए तो हमारा यही कारोबार रहेगा, जो उठाया उसको उठाया वो दोबारा नहीं बैठेगा। कार्रवाई की जाती है आज परमिशन है। ये तो 27/12/2019 है, अब 2020 हो गया। यार इक्कीस क्या करते हैं कि आप साफ तो भाग गए प्रिंसिपल काउंसिल यासी को मोची जो यहाँ पे बैठते थे रियासी के बस स्टैंड में स्थित कम्प्लेक्स में, उन्हें भी हटाया गया है, उनकी परमिशन चेक करवाने के लिए उन्हें कहा गया और तहसीलदार रियासी का कहना था कि परमिशन उनके पास नहीं थी। हालांकि कुछ एक जो मोची हैं उन्होंने ये कहा है कि परमिशन वो दिखाएंगे, वो एक मोची जो है वो खुद अपना जो सामान है वो नगर परिषद की गाड़ी में के वाहन में रख रहे हैं, खुद अपना सामान जो है वो नगर परिषद के वाहन में रख रहे हैं। तो आपको बता दें कि कॉम्प्लेक्स में जो मोची बैठते हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है और सामान उनका कुछ मोची ने जो थे उन्होंने खुद उठाया था और कुछ जो सामान है वो नगर परिषद की टीम ने उठाकर अपने वाहन में रखा है। तो कार्रवाई मोची जो तमाम यहां बैठते हैं उन पर हो रही है जिनके पास परमिशन नहीं थी ऐसा कहना था तहसीलदार रियासी का, लेकिन जो मोची हैं उनका कहना है कि वो कई सालों से यहाँ पर बैठ रहे हैं और उनके पास परमिशन भी है। अब स्थिति क्या बनती है वो कुछ समय बाद पता चलेगा और कुछ जो मोची यहाँ पे हैं तहसीलदार यासी का कहना है कि उन्हें अपनी परमिशन लाने के लिए कहा गया है, दिखाने के लिए कहा गया है, अगर उनके पास परमिशन होगी तो उन्हें अनुमति यहाँ बैठने की दी जाएगी। तो आप बने रहें इस लाइव वीडियो के साथ, तमाम जो अपडेट्स होंगे एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर वो आप तक लगातार
पहुंचाए जा रहे हैं। अभी जो तहसीलदार रियासी की टीम और एमसी रियासी की टीम है वो रियासी के बस स्टैंड में ही है और लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। बातचीत बाजी आर्गुमेंट भी होते हुए दिख रहे हैं। अब टीम जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है और ये जो वो वाहन है जिस पर सामान रखा गया है, हालांकि पहले भी काफी सामान उठाया गया और रखा है। तो पीछे देख सकते हैं जो SHO रियासी हैं और जो पुलिस के जवान हैं, जो तहसीलदार रियासी की टीम है, MC रियासी की टीम है, वो अब आगे की तरफ बढ़ रही है और आगे क्या कार्रवाई, किस पर कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात होगी। जो सवाल लगातार उठता था क्या उस पर विराम लगेगा, जो रेडी वाले भी लगातार सवाल उठाते थे, तो तहसीलदार रियासी और रियासी अब आपको बता दें कि म्यूनसिपैलिटी का ही ये कम्प्लेक्स है, इसकी एक दुकान पर जो फ्रूट की दुकान है वहां पर पहुंचे हैं जा रही है और देखते हैं क्या कार्रवाई उन पे भी की जाती है। बस स्टैंड रियासी में तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय और ये पीछे करने के लिए कहा जा रहा है और लेकिन जिस तरह से सामान जो जब्त किया गया था बाकी लोगों का वैसे नहीं किया गया है। क्या ये सिर्फ आज के लिए नहीं किया जाएगा या आगे आने वाले समय में सबसे पहले आप लोग ये अगर सामान आ रहे हैं ये खुद अपनी दुकान में ले रहे हैं तो म्यूनसिपैलिटी का ही ये कम्प्लेक्स है, यहाँ पर अब टीम पहुंची है और सामान पीछे करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह
से कुछ लोगों का सामान भी उठाया गया। वैसे कार्रवाई नहीं यहाँ पे देखने को मिल रही है, सामान हालांकि पीछे करवाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि अगर आज जो कार्रवाई होती है उसका असर कितने दिनों तक रहता है, क्या सामान पीछे ही रखा जाएगा दुकानदारों द्वारा, या फिर से इनके जाने के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद फिर से बाहर सामान इस तरह से लगाया जाएगा। तो चालान सबको किया जा रहा है और 2000 की शिफ्ट काटने की बात की गई है, 2000 का चालान काटने की बात कही जा रही है। और ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कुछ सामान जब्त भी किया गया, लेकिन यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं कदम जो है डगमगा जाते हैं अधिकारी पे। 2000 रुपया हमने इनको फाइन भी कर लिया, उनको बोलो कि आप सामान अंदर रखो, उनका भी हमने सामान दे दिया वापस, 2000 रुपया उनका जुर्माना किया। कुछ जो सामान जब्त किया, जो जब वो पैसे नहीं दे रहे थे उसको किया हमने, बाकी सामान उन्होंने सब हमने दे दिया वापस, इनका ही हमने 2000 रुपया जुर्माना किया है और सामान को अंदर करने के लिए बोल दिया। सबको होगा, सबको होगा। अब सामान जो है वो जब्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अगर पैसे नहीं देंगे तो सामान जब्त होगा। आज सिर्फ वार्निंग होगी, सामान आप नहीं, सामान इनका नहीं उठाएंगे। इनको बोला हमने आज जुर्माना पड़ा 2000 रुपया, अगर नहीं देंगे जुर्माना तो उठा के देंगे। जब जो सर मोची जो बैठते थे उनका सामान जो लिया गया है जब्त किया गया, वो क्या परमिशन नहीं दिखा पाए थे? वो कई सालों से बैठने का आप अंजलि खुद समझते हैं, ये हमारा कम्प्लेक्स है, तो बैठेगा आराम से बैठे, कोई एक छोटा सा डब्बा लगा के बैठे तो हमें कोई इतराजी नहीं है। अभी बारिश लगी है, अब मेरे को बताओ अभी इतना वो सामान वहाँ में पड़ा होगा, कहाँ बैठेंगे लोग? जाते कोई बात नहीं, उन्होंने उनका सामान उठाया, हम उनका सामान वापस देंगे, लेकिन कुछ साइड में बैठे जाएं, हमें कोई इतराजी नहीं है, गरीब आदमी को ऐसे। बस स्टैंड से लेकर चिंता तक कार्रवाई होगी, हमने देखा कम कार्रवाई जाते हो दफ्तर में जाके बड़े दुकानदारों पे कार्रवाई होगी, जिन्होंने कहा शहर के नुमाइंदे आप हैं, आप शहर के राजा 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 ह
तो काफी समय से जो है टीम यहाँ पे इंतजार कर रही है और सामान उठाने के लिए कहा गया है, लेकिन इतने वक्त के बाद भी सामान नहीं उठाया गया, तो अब कहीं ना कहीं थोड़ी सख्त दिख रही है टीम। लेकिन काफी देर से तमाम लोग, ये तहसीलदार रियासी की टीम और एमसी रियासी की टीम जो है यहाँ पे रुकी हुई है, धीरे धीरे जो है सामान उठाया जा रहा है। लेकिन काफी वक्त इसमें लग गया है, यार इसी कर रहे हैं आके सर काफी वक्त इन्हें आपने दे दिया, लेकिन वो सब्जी वाले जो थे उन्हें जब उन्होंने समय लगाया तो उनका सामान जब देखिए जब हमने उनको बोला उठाने के लिए उन्होंने नहीं उठाया, फिर हमने उनको उठा रहे थे तस्वीर भाई वो भी बोल रहा हूँ ना, उन्होंने नहीं उठाया। और जब उनको हमने कहा 2000 रुपये फाइन दे दो नहीं तो आपकी सब्जी उठा के ले जाएंगे, हमने उनकी सब्जी को छोड़ दिया और 2000 रुपये का फाइन कर दिया। थोड़ी सी सब्जी जो है वो आपने अपने बाग में, अगर 5-7 किलो सब्जी होगी तो वो भी वहाँ से ले सकते हैं, हमने बिल्कुल सब्जी किसी ने ना ली है, ना इनका अभी फ्रूट लिया है, ना 2000 रुपये जुर्माना किया, ऐसे सारी जगह होगा। अगर कोई नहीं उठाएगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सवाल को इस समय पर उठाया जा रहा है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है उस समय ही ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, इससे पहले हालांकि काफी देर तक आपके द्वारा कहा गया था कार्रवाई की जाएगी लेकिन कार्रवाई नहीं। देखिए जैसे हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि आपको इनको 15 दिन का टाइम देना है, हमने 15 दिन का टाइम दिया, हमारी गाड़ी रोज, क्योंकि हमें चाहिए स्कूटी, जब तक हमें स्कूटी नहीं मिलेगी हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे अंचल जी आपको पता है पिछले दिनों मेरे मुलाजमों को इन्होंने मारा, लेकिन हमने इनको आज से एक 20-22 दिन से हम लेटर लिख रहे हैं, किसी साहब को लेटर लिखा उन्होंने कहा 15 दिन का इनका टाइम दे दो, गाड़ी आप घूमेगी यहाँ पे और ये समझ जाएंगे। फिर जब 15 दिन हो गए इनको 1 हफ्ते का फिर टाइम दिया, इन सब दुकानदारों को हमने नोटिस दिए हैं, जो भी जो दुकानदार हैं इनको सबको नोटिस दिए हुए, आए 8-10 दिन हुए नोटिस दिए हुए। लेकिन सवाल ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही है, चाहे वो मीडिया वाले हों या कार्रवाई करने वाले हों या
तमाम लोग जो रियासी पहुंचे वो भी यहाँ पे मेरी बात समझिए, मेरे मुलाजिम हैं 10-12 और 15 पुलिस वाले हैं और 50 आदमी जो हैं आपके मीडिया वाले हैं साथ में, तो कहाँ सोचे रहेगी ये लोग। आपको भी इनको बोलना चाहिए कि आप दूर। मैं यही कह रहा हूँ ना कि समय पर सवाल उठा रहा हूँ कि अगर इस समय कार्रवाई होगी तो मीडिया को भी अपना काम नहीं, वो तो जब भी कार्रवाई होगी मीडिया तो इकट्ठा होगा ही और सोशल चार्जिंग को भी फर्क पड़ेगा, लेकिन हम बार बार कहने के बावजूद भी अगर वहाँ पे एक दुकान है, दुकान के 10 मुलाजिम आपने रखे हैं, सब्जी बीच रोड में लगाई हुई है, 10 वो हो गए, 10 दूसरी दुकान के हो गए 20 आदमी और 20 आदमी हो गए सब्जी लेने वाले, कहाँ ये होगा। जैसे तो बारिश अगर तेज होगी तो कार्रवाई रुकी। देखिए हम तहसीलदार साहब ये हमारे साथ जहाँ तक चलेंगे हम चलेंगे इनके साथ, आपको पता है मैं साथ साथ में चल रहा हूँ क्योंकि एडमिशन को चाहिए साथ में, मेरा यू साथ में है, एडमिशन साथ में है। अगर जहाँ तक ये चलेंगे, बारिश रुक जाएगी तो ठीक है, नहीं तो ये ड्राइव चलेगी, अभी कंटिन्यू चलेगी, कब चलेगी कैसे चलेगी किसी को पता नहीं चलेगा। जो टीम है वो अब आगे की तरफ बढ़ी है और अब ये देखते हैं कि किस पर कार्रवाई की जाती है। हालांकि जो मैसेज है वो सर्कुलेट हो गया है, लाइव वीडियोस भी तमाम दुकानदारों ने देख लिए होंगे और मौके पर की जो जानकारी है लोगों द्वारा अन्य दुकानदारों तक पहुंच गई होगी और दुकानदारों ने भी मौके पर आके देखा होगा, तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि सामान पहले से अंदर कर दिया होगा। अब देखते हैं अगर किसी का सामान बाहर मिलता है तो क्या कार्रवाई म्युनिसिपल कमेटी करती है। और जो सवाल लगातार रेड़ी वालों द्वारा भी पूछा जाता है और अन्य लोग भी उठाते हैं कि सिर्फ रेड़ी वाले ही क्यों, सिर्फ फड़ी वाले ही क्यों, आखिर जो रसूखदार लोग होते हैं जिनकी पहचान होती है विभागों में उन पर ही कार्रवाई क्यों होती है। तो एक और सब्जी वाली जो दुकान है वहाँ पर जो टीम है वो पहुँची है, वहाँ के दृश्य आप ये सीधे रियासी अपडेट्स में देख रहे हैं और क्या कार्रवाई यहाँ पे की जाती है ये देखते हैं। चलान करने की बात हुई थी, सामान जो है वो जब्त करने की कहा गया था कि नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सामान उठाया जा रहा है और वाहनों में डाला जा रहा है, म्युनिसिपैलिटी के वाहनों में जो सामान है वो डाला जा रहा है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं जो दुकानदार हैं उन्होंने सामान जो है अपना पीछे भी नहीं किया था और जो नगर परिषद की टीम है उनके जो कर्मचारी हैं लगातार जो सब्जी है वो उठाकर अपने वाहन में डाल रहे हैं और सामान जब्त किया जा रहा है। जिस तरह से चेयरमैन ने कहा था कि सामान जो है वो जब्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सामान उठाया गया है और ये जो जंगला लगाया गया था, जो नाला है नीचे नाली है उसके ऊपर जो जंगला लगाया गया था उसे भी उठाया गया है और कार्रवाई होती हुई और सामान जब्त करते हुए साफ तौर पे। तो नाली के ऊपर जो जंगला था वो हटाया गया है और सब्जी भी उसके ऊपर जो लगाई गई थी वो भी हटाई गई है, वो भी जब्त की गई है और अब क्या चलान भी इन्हें किया जाता है ये देखते हैं। और जो जैसा कहा गया था कि सामान जब्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सामान जब्त हुआ है, लेकिन इससे पहले हमने जो देखा उन दुकानों से सामान नहीं उठाया गया था, उन्हें पूरा वक्त दिया गया था और उन्होंने सामान पीछे किया, हालांकि चलान वहाँ पे किया गया था।
लेकिन यहाँ पे सब्जी उठाई गई है, जो नाली के ऊपर जो जंगला था उसके ऊपर जो सब्जी लगाई गई थी वहाँ पर कार्रवाई की गई है और सामान जब्त किया गया। तो विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। दुकानदार द्वारा जो सब्जी यहाँ पे बेचने वाले दुकानदार थे वो लगातार विरोध दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी जो शेड है ऊपर लगाया हुआ है और सिर्फ हम पर ही कार्रवाई क्यों की जा रही है। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਕੋ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਪੀ ਕੁਸੀ ਦੁੰਦਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਉਸੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਤ ਕੁੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਢੰਗੇ ਗੱਲ ਢੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ रियासी
निवासी म्युनिसिपल काउंसिल के एक कर्मचारी है, उन्होंने पैसे मांगे थे। ये आरोप इन शख्स द्वारा लगाए गए हैं। जब कार्रवाई करने नगर परिषद की टीम यहां पहुंची तो ये आरोप एक दुकानदार द्वारा, जो कि सब्जी विक्रेता है, जो कि सामने खड़े थे, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि इस तरह से पैसे मांगे जाते थे। ये आरोप है इनके। अब इन आरोपों पर जो जिस कर्मचारी पर आरोप लगे हैं उनका क्या कहना है, उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जो टीम है वो यहां से निकल चुकी है और आगे की तरफ बढ़ चुकी है। कह रहे हो फारूक जी आप पर जो दुकानदार थे वहाँ पे, उन्होंने एक शख्स ने, एक युवक ने आरोप लगाए हैं कि आपने आप पैसे लेते थे। जब पैसे ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा किसी ने किसी से नहीं लिया पैसा, ये सिर्फ अब इनके कार्रवाई हो रही है तो ये ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जब पैसे कार्रवाई आपने एक बार की थी उसके बाद बंद कर दिए थे, वही नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई चल रही है, सबके ऊपर करेंगे, बाजार भी जा रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आरोप वो साफ तौर पर सबके सामने पब्लिकली अधिकारियों के सामने, सबूत बताएं, कोई बताएं, दिखाएं हमें, अगर लिए हैं तो दिखाएं। तो ये जो अतिक्रमण है कैसे हो जाता है, आप अगर कर्मचारी डेली रूटीन पे अपना काम करते हैं, जैसे पहले भी हमने किया था, उस दिन इन्होंने हमारे हेड असिस्टेंट को मारा था तो उसके बाद हम बंद हो गया, बंद कर दिया, उन्हें मार थोड़े खाने। अतिक्रमण कैसे हो जाता है, आप कार्रवाई लगातार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? रोज करेंगे, हम रोज करेंगे, पहले ये मसला, ये समस्या कैसे बन जाती है? देखो जी, ये है कि अब हम अकेले आएंगे, ये हमें मारने को पड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, मतलब बहुत पर्सनली ले जाते हैं, ये क्या करेंगे, कैसे आना, हम भी लोकल हैं, सब कुछ देखना होता है, बाकी कोई नहीं कर रहे हैं। परमिशन बनाने के लिए पैसों का आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी पूछ लो, सबकी बल्कि परमिशन मेरे टाइम पे तो कोई बनी नहीं है, मैं था नहीं इधर, उससे दूसरा था जिसने परमिशन बनाई है, मैंने कोई नहीं बनाई है, अब मैंने बनाई थी 3-4। तो ये आरोपों को नकार रहे हैं, लेकिन जो तमाम अधिकारियों के समक्ष और तमाम लोगों के समक्ष आरोप लगाए गए हैं कि पैसे लिए गए और भ्रष्टाचार की बात कही गई है, जिसके बाद टीम वहां से निकल गई और अब टीम मेन बाजार में टीम ने रुख किया है और अब किस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये मेन बाजार के दृश्य आप देख रहे हैं और सामान अब देखने को मिल रही है, आप सब और
अब बाजार में ये देखना होगा कि एमसी रियासी और तहसीलदार रियासी की टीम क्या यहाँ भी चलान करती है या फिर यहाँ पे सिर्फ सामान अंदर करवा दिया जाता है और वार्निंग दे दी जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल है जो कि लगातार बना हुआ है और लगातार लोग पूछते हैं कि बड़े रसूखदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती या पहचान वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, इन्हें समय क्यों दे दिया जाता है। और ये सवाल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये तमाम उन लोगों के लिए हैं जो बाजार में दुकानें करते हैं, उन पर कार्रवाई होती हुई कम दिखती है। और रेड़ी फड़ी वाले क्योंकि एक आसान टारगेट होते हैं, ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते और ज़्यादा रसूखदार नहीं होते हैं, तो इस कारण भी कहीं ना कहीं कार्रवाई उन पर होती दिखती है। समान कानून देश में है तो समान कार्रवाई तमाम लोगों पर होनी चाहिए, लेकिन अब क्या इन्हें चालान किया जाएगा या सिर्फ इनका सामान अंदर करवा के इन्हें छोड़ दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। तो चालान तो चलान यहाँ पे किया जा रहा है। उन पर भी चालान किए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि तो 1000 रुपया जो है वो जुर्माना यहाँ पे किया गया है। पहले 2000 की बात भी सामने आई थी और यहाँ पे 1000 रुपया जुर्माना किया गया है। जब मौका मिलेगा बात करेंगे कि किस आधार पर ये जो 1000 या 2000 का जुर्माना है वो किया जा रहा है। एक सामने जो है वो अब लोग सामान जो है अपना अंदर कर रहे हैं और भेदभाव कहीं ना कहीं दिखता हुआ नज़र आता है। हल्की बारिश भी चल रही है लेकिन इस बारिश के बीच जो एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव है वो चल रही है और हंगामा भी काफ़ी रियासी के बस स्टैंड में पनपा था और विरोध भी काफ़ी हुआ था। आरोप भी एमसी रियासी के एक कर्मचारी पर, एक दुकान में चलाने वाले युवक द्वारा लगाए गए थे। तो लगातार आरोप भी लगाए गए थे। और अब बाज़ार की तरफ रुक के आए टीम ने, अब ये देखना होगा कि क्या बाज़ार में कार्रवाई की जाती है और किन किन लोगों को कितना चलान किया जाता है। Thank you.
सामान जो है लोगों ने बाहर जो निकाला हुआ होता है आम दिनों में, वो अब कहीं ना कहीं अंदर दिख रहा है और सिचुएशन थोड़ी ठीक है। जो बाजार है अब खुला भी दिख रहा है, थोड़ा सामान अंदर किया गया है, लेकिन आम दिनों में आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा गुजरना मुश्किल हो जाता है और जाम की स्थिति भी रहती है और काफ़ी परेशानियां जो हैं वो राहगीरों को आती हैं, आवागमन करने वाले लोगों को पेश आती हैं। लेकिन जिस तरह से ये लाइव विजुअल चले और जानकारी लोगों तक पहुंची कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, और जिसके बाद जो है बाज़ार में लोगों ने सामान को अंदर किया हुआ है, तो बाज़ार में ज़्यादा कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। हालांकि कार्रवाई एकदम से जो टीम पहुंची थी जानकारी नहीं थी और उसके बाद कार्रवाई की गई है, लेकिन अब जो पुलिस के जवान हैं वो ऊपर की तरफ जाते हुए और अब आगे क्या होगा, क्या पुलिस जो है वो वापस जा रही है या फिर किसी दुकानदार पर कार्रवाई करने की तैयारी है। तो कार्रवाई जो है वो खत्म हो गई है, आज की जो कार्रवाई है वो खत्म कर दी गई है। सुदेशपुरी जी, कोई जानकारी है कुल कितने चालान किए गए हैं और क्या आप जो कार्रवाई आपकी एंटी एनफोर्समेंट है आज की कार्रवाई यहीं पे खत्म हो रही है? देखिए, एक तो आपको पता है बारिश लगी हुई है और दूसरा जिस चीज को पता चला है उन्होंने अपना सामान उठा लिया खुद ही, तो जैसे भी ऊपर से ऑर्डर आएगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। अभी मेरे को कोई ऐसा नॉलेज है कोई 10 के करीब लोगों को जो 2,000 रुपये का चालान हुआ है, पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है। 1,000 का भी चालान किया गया, 1,000 का भी। फिर वो 2,000 किसको और 1,000 किसको, वो कहीं ना कहीं वहाँ सवाल, वो मेरे नॉलेज में नहीं है किसको 1,000 रुपए किए उन्होंने, लेकिन सवाल चिन्ह कहीं ना कहीं मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरे को अभी बिल्कुल डिटेल नहीं है मेरे पास कितना फाइन हुआ है। आप सवाल लगातार उठते थे, मैं वही बात कर रहा हूँ, 1,000 का भी चालान हुआ है और 2,000 के भी, फिर वो भेदभाव क्यों किया गया? नहीं नहीं, अगर किसी को 1,000 रुपए का चालान हुआ है तो उसको देखना पड़ेगा वो किस पोजीशन में था वो बंदा। अगर वो फड़ी वाले को किसी को 1,000 रुपए का जुर्माना हुआ, दुकानदार को, किसी दुकानदार को 1,000 रुपए का हुआ तो वो भी देखना पड़ेगा, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरे को इतना पता है कि कोई 2 और 2 4 और 5 6 7 आदमी को मेरे को लगता है कि 2,000 रुपए का चलान हुआ। आप रोजाना ये कार्रवाई की जाए? देखिए जी, जैसे भी ऊपर से ऑर्डर आएगा, क्योंकि ये उन्होंने चलना है हमारे साथ, लेकिन ऊपर से इस समय खासकर टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शादियों का नहीं, टाइमिंग 2 महीने का कोरोना चल रहा है ना, अभी थोड़ा कोरोना चल रहा है, लेकिन अब कंट्रोल मेजर्स लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कार्रवाई में भीड़ भी हो रही है, जैसे आपने कहा मीडिया के लोग भी, तो फिर मजबूरन हमें भी अपना काम करना है। आप करिए, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप करिए काम अपना, हमने भी अपना काम करना है। देखिए, अगर आपको एक दुकानदार के ऊपर 10 आदमी मिलेंगे, वो मैं कल भी आपसे लोगों से अपील की थी कि मास्क डालिए, ज्यादा रश मत डालिए, अगर ऐसा चलेगा तो कोरोना क्या करेगा हमारे रियासी में। आइंदा अगर चलान होगा, अगर दुकानदार अपने सामान बाहर निकाल लेंगे तो मीडिया दिखा सकता हूँ क्या? मीडिया दिखाएगा कि दुकानदार अगर सामान बाहर निकाल देते हैं शाम को दिखाए, तो दिखाए ना, दिखाए उसका मीडिया दिखाए। यही देखा जाता है कि जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पे सामान बाहर होता था, लेकिन आपकी कार्रवाई के चलते ये सामान अंदर किया गया। सिलेक्टिव लोग थे, आज भी कौन से सिलेक्टिव लोग थे, आपने कार्रवाई की वो घर से आप सोच के आए थे, यही दुकानदार है बस। क्या नवदार हमने नवदुर्गा वालों का चालान किया, क्या वो सिलेक्टिव लोग थे? उनके साथ जो फ्रूट वाले थे, क्या वो सिलेक्टिव लोग थे? जो अपने मेन बाजार में किए चालान पर किस लोगों ने कहा 5,000 का लेते हैं 10,000 से, उसके आपका क्या रिएक्शन? देखिए, छूट दीजिए, मैं भी बोलता हूँ मीडिया वाले मेरे से 2,000 महीने का लेते हैं, तो ये कहने वाली बात होती है? नहीं, मीडिया वाले लेते हैं। कहने से क्या होता है? बिल्कुल, अगर किसी के पास कोई सबूत है, बड़ी सभा में पब्लिक ने पुलिस के सामने कहा, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर किसी के पास सबूत है
दो पहले क्या करते थे मुझे नहीं पता। मैं 2.5 साल हो गए कि बेटी में बैठे हुए, अगर इसके बीच में किसी ने कोई पैसा लिया मेरे को सबूत लाइए। सबूत मिलता है आपके समक्ष लाए जाएंगे। इतिहास इतिहास जो रहा है रियासी का, अगर इस बाजार की बात करें तो काफी अतिक्रमण होता है और कार्रवाई के बाद अंदर सामान किया जाता है, फिर शाम को या अगले दिन फिर से सामान बाहर लिया जाता है। सामान लिया है, कब कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई होगी, ये अभी ना आपको पता चलेगा ना इनको दुकानदारों को पता चलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कार्रवाई अभी शुरुआत बहुत ये शुरुआत है। ये कहाँ तक जाएगी, ये आगे बढ़ रहा है। अगर जो दुकान वाले का सामान बाहर निकालते हैं क्या उनसे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मेरे मैंने कहा ना, जो भी दुकानदार सामान बाहर निकालेगा उसको एक दफा फाइन करेंगे, दूसरी दफा फिर करेंगे। फाइन तो आज भी किया है ना। देखिए फाइन उनको किया है जिनका हमने 50 फुट बाहर गए थे, उनका हमने फाइन किया, उनका सामान भी हमने वापस दे दिया। सीजन है, लगाने दीजिए सामान बाजार में दुकानदारों को भी। तो आप मत आना मेरे पास। जो कार्रवाई है नगर परिषद रियासी की वो खत्म हुई है। जो पुलिस के जवान थे जो कि आज दलबल के साथ आए हुए थे वो भी वापस लौट चुके हैं और अधिकारी जो तमाम थे वो भी वापस लौट चुके हैं और कार्रवाई सुबह से करीब 2 घंटे पहले से जारी थी और 2 घंटे में जैसा कि एमसी रियासी के चेयरमैन ने बताया कि 5-6 चालान किए गए हैं और ये भी सवाल किया गया कि कहीं 1,000 का और 2,000 का ये भेदभाव क्यों किया गया, उस पर उन्होंने अपना जवाब दिया। इसके साथ ही जो लगातार सवाल उठाए जाते थे कि नगर परिषद रियासी या फिर जो तहसीलदार रियासी की टीम भी थी तो जो बड़े दुकानदार हैं कहीं ना कहीं उनसे बचती है, रसूखदार लोगों से बचा जाता है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, वही कहीं ना कहीं ऐसा देखने को भी आज भी देखने को मिला है। लेकिन ये आश्वस्त किया है एमसी रियासी के चेयरमैन ने और तहसीलदार रियासी ने कि रसूखदार लोगों पर भी कार्रवाई होगी, बड़े दुकानदारों पर भी कार्रवाई होगी, सिर्फ रेड़ी वालों पर फड़ी वालों पर कार्रवाई कर अपना नाम नहीं चमकाया जाएगा। काका पंडो जी भी हैं, आज रियासी के बस स्टैंड में कार्रवाई की गई है, किस तरह से देखते हैं इसे? आप लगातार मुद्दों पर बोलते रहते हैं और किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए जी, अब मैं क्या बोलूँगी, जो बात एक तरफ से हम इसको अपना कसूर भी मानते हैं क्योंकि हम लोगों ने हमें जगह दिए हुए बावजूद भी हम इसका उल्लंघन करते हैं, अपने एरिया को बाहर बढ़ाते हैं। इस पर हम गवर्नमेंट ने गलत नहीं किया, जो किया गवर्नमेंट ने पहले 2-3 बार ऑटो में अनाउंसमेंट की, डोल वाले को भी बोला कि हर दुकानदार को वार्निंग दी की कर भी, फिर उसका नाजायज फायदा जब कोई उठाए तो मैं इसमें अपनी ही गलती मानता हूँ, मैं इसमें गवर्नमेंट को कोई दोष नहीं देता हूँ। जिस तरह से ये देखा गया कि रेडी पॉइंट बनाया गया फिर भी कुछ रेड़ियाँ बस स्टैंड में थी तो कहीं ना कहीं उनकी भी ऑब्जेक्शन थी कि कुछ रेड़ियाँ अगर वहाँ लगेंगी तो उन्हें भी नीचे आना पड़ेगा क्योंकि उनके कारोबार पर असर पड़ता है, तो इसे किस तरह? देखिए जी, रोजी रोटी सबकी लगी, पेड़ सबको लगा है, जिन्होंने जिन आधे बंदों को लाइसेंस प्रोवाइड किए हुए हैं और कई लोग ऐसे जो यहाँ पे 20-25 साल से काम कर रहे हैं, हमें भी देखते काफ़ी उम्र हो गई, हम यहीं भी पहले बड़े हम भी दुकान कर रहे हैं बस स्टैंड में, उनको भी लाइसेंस, उनको भी कोई ना कोई थोड़ी बहुत जगह तो उनको भी देनी चाहिए कि वो भी अपना रोजगार चला सकें। 10 बंदों को लाइसेंस मिल गया, 10 बंदों को लाइसेंस नहीं मिले, उन्होंने तो आगे पीछे भटकना ही है। मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ धो के निवेदन करता हूँ कि हर बंदे को जिसको रोजी रोटी लगानी है हर बंदे को लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए, ऊपर जगह तो दी है, वहाँ भी थोड़ी बहुत जगह ऐसे बनाई जाए कि जिससे वो भी अपना काम चला सके। अब गन्ने वाला ही देख लो, जो हमारे महादेव का बाली है वो पहले हमारे सामने लगाता था रेडी, वहाँ से उठा ली थी उसने, फिर अपन साइड में लगा, उसको भी कहीं ना कहीं लाइसेंस देकर उसको कहीं जगह तो परमानेंट जगह दो जहाँ पे वो अपना रोजगार चला सके। जी चलिए शुक्रिया। तो लाइसेंस या परमिशन देकर रोजगार चलाने की अनुमति दी जाए क्योंकि भूख सभी को लगती है, पेट सभी को लगा हुआ है और जब भूख लगती है तो दर्द काफ़ी होता है, तो फिर कहीं ना कहीं काम करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना पड़ता है, लेकिन जब काम ही नहीं होगा तो वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाएगी और फिर कैसे परिवार का पालन पोषण हो पाएगा, तो ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अधिकारियों तो जो सैलरी है इनकी वो तो मंथली आएगी लेकिन इन रेडी वालों का जो परिवार का गुजर बसर है, जो पालन पोषण है वो इन्हीं से चलता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ रेडी वाले जो ऊपर रेडी लगाते हैं, जैसा कि एमसी रियासी के चेयरमैन ने कहा कि उनकी तरफ से भी ये बातें कही जाती थी कि अगर नीचे रेड़ियाँ लगाई जाएंगी तो उनके कारोबार पर असर पड़ेगा, तो उन रेडियों को भी ऊपर लगाया जाए। तो तमाम सवालात हैं, मसला भूख का भी है और मसला नियमों का भी है। तो अब आज की जो कार्रवाई है वो ख़त्म हुई है, कुछ चालान किए गए हैं, सामान भी जब्त किया गया है, जो मोची बैठते थे रियासी के बस स्टैंड कम्प्लेक्स में उनका सामान भी लिया गया है और कुछ लोगों ने अपना सामान खुद समेटा है। तो अब देखते हैं, कहना ये था एमसी रियासी का और तहसीलदार रियासी का कि ये जो कार्रवाई है वो अब लगातार चलेगी, अब देखते हैं कि ये कार्रवाई
का अगला जो कदम है ये कल उठाया जाता है या फिर कुछ दिनों के बाद फिर कार्रवाई की जाती है। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।